हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि कुछ दो तीन एक्सक्लूसिव पतंगे मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आज वही पतंग लेकर मैं आ गया हूँ। तो आपको दिखाएंगे वो पतंग के बारे में। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पतंग मेकिंग के साथ साथ, कलेक्शन के साथ साथ आप लोगों को और नए कुछ ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के ग्रो होने में थोड़ा मदद हो जाए। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए पहले पतंगे दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग आपको दो पतंगे दिखाएंगे, तो एक एक करके दिखाता हूँ। जो पहला पतंग है वो है ये एक्चुअली हम लोग यहाँ पर पूजा होता है, जहाँ बंगाल में हम लोग जहाँ पर रहते हैं, माँ दुर्गा, सबको ही पता है माँ दुर्गा का पूजा होता है। तो ये मैंने ख़रीदा था दुर्गा पूजा के टाइम। ये जो पतंग आप देख रहे हो, यह पूरा ही आर्ट एंड क्राफ्ट है। ये एक एक चीज़ कागज़ काट के बिठाया गया है, ये कोई पेंटिंग या कुछ नहीं है। ये आपको सामने से देखने से पता चल जाएगा, ये सब कुछ ही कागज़ काट के बिठाया गया है। और यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा है, और माँ दुर्गा का इस साइड जो रूप है, ये माँ दुर्गा का रूप है, और इस साइड जो है ये, इसको हम लोग कासफूल बोलते हैं। जब दुर्गा पूजा आता है उस टाइम पर यहाँ पर कासफूल होता है बंगाल में, और कहीं जहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वो उसी वेदर को दिखाया गया है, और इधर दिखाया गया है कि माँ दुर्गा का रूप, और नीचे यहाँ पर इसको बंगाली में घाट बोलते हैं, और इसको नारियल बोलते हैं, मतलब नारियल पानी जो आप खाते हैं उसका ही पूजा हम लोग करते हैं पूजा के टाइम लोग, और इसको स्वास्तिक बोलते हैं। तो ये पूरा ही फेस्टिवल का एक रूप इस पतंग में कारीगर ने, मतलब जो आर्टिस्ट है, उसने दिया है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, पूरा कागज़ काटिंग है। तो ये मैं फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम, तो उस टाइम मुझे दिख गया था। तो मैंने ये उनसे पूछा और मुझे अच्छा लगा, प्राइस के बारे में मैं सोचा नहीं और ये ले लिया। इसका प्राइस भी हम लोग आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद जब मैं ये ख़रीदा, तो मैं उस मेकर से पूछा कि, मतलब मेरा और एक डिमांड था जो पतंग में उससे बनवाया इसके बाद, वो और भी अच्छा है, मतलब उसका वर्क और भी अच्छा है। तो वो पतंग मैं अपने भैया को देने वाला हूँ, तो वो पतंग भी आपको दिखाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी रख देते हैं। और उसके बाद जो पतंग मैंने उनसे ऑर्डर किया था वो है जहाँ गॉड ऑफ क्रिकेट। ये शॉर्ट्स में भी आप दोनों पतंगे, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो या फॉलोअर्स हो, तो ज़रूर आपको पता है कि ये पतंग का शॉर्ट्स में ऑलरेडी यूट्यूब में और फेसबुक में दे चुका हूँ। तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का ये पिक्चर मैंने उनसे भेजा था, और बोला था ये अगर वो बनवा सकता है तो बनवा दे, क्योंकि ये मैं अपने भैया को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करने वाला हूँ। ये दोनों ही मैं फ्रेमिंग करवाऊंगा, अभी तक फ्रेमिंग नहीं करवाया हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों मैं फ्रेमिंग करवाऊंगा, ये अपने घर में रखूंगा, और ये मैं अपने भैया, बड़े भैया को ये गिफ्ट करने वाला हूँ उसके जन्मदिन पर। तो ये भी पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये डिज़ाइन पूरा जो है, ये पिक्चर मैंने उनको भेजा था और उन्होंने बनवा दिया। तो मैं बहुत ही खुश हूँ ये वर्क देखकर। पीछे भी देख सकते हो, ये पेंटिंग नहीं है, ये पूरा कागज़ काट कर इसको बिठाया गया है। तो ये दोनों पतंग एक्चुअली, ये साइज़ जो है, ये आपका पौना का साइज़ है, लेकिन ये मैं उड़ाने वाला नहीं हूँ, तो साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं फ्रेमिंग करने वाला हूँ। और ये दो पतंग जो है, ये मैं नीलावो से लिया होता। मैं नीलावो से बहुत ही ज़्यादा पतंग लेता हूँ, मतलब ऐसे वाले पतंग है, और भी लोगों से मैं लेता हूँ, लेकिन ऐसे वाले पतंग मैं ज़्यादातर नीलावो से लेता हूँ। और भी बहुत से मेकर है, वह सभी मैं लेता हूँ। और कुछ पतंगे मेरा अभी आने वाला है, जो इंडिया का और हर जगह में जो पहचाने जाते हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, और एक दो हफ्ते में आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको वो पिक्चर्स और वीडियोस दिखाऊंगा। तो वो भी पतंगे आने वाला है, कुछ एक्सक्लूसिव पतंगे। और ये जो पतंग है, ये अगर आप प्राइस रेंज के बारे में बोलोगे, तो मैं यही बोलूँगा कि इसका प्राइस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसका प्राइस बस आर्टिस्ट ही डिसाइड करता है, मतलब जो मेकर है, जो आर्टिस्ट है, वही डिसाइड करता है। तो वो जो डिसाइड करता है, मैं वही देता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले जाता हूँ, प्राइस के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। तो इसीलिए ये दोनों का एक्चुअल प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है आपको प्राइस सही लगे, हो सकता है आपको प्राइस ज़्यादा लगे, कम लगे, क्योंकि आर्ट है, आर्ट का कोई प्राइस नहीं होता है। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि ये जो है, ये ऑलमोस्ट इसका डबल है प्राइस में, और
अगर आप इस दोनों को मिलाओगे तो आपको अच्छे क्वालिटी के मैचेस के अर्थी 120 से 130 तक आ जाएगा ये दो पतंग के प्राइस के रेंज में। मतलब आप 120 से 130 पतंगे ये दो पतंग के प्राइस में खरीद सकते हो अच्छे क्वालिटी के अद्दिया। तो आपको आइडिया लग सकता है, अगर आपको आइडिया लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको चाहिए ये पतंगे या ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव पतंगे तो आप हमसे बोलो, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। ऑलरेडी नीलाबो का नंबर फेसबुक में और मेरे यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ में मैंने दे चुका हूँ, आप उनसे बात कर सकते हो। या फिर आप और भी बहुत सारे मेकर्स हैं, जैसे नजीब दा है कोलकाता में, ऐसे पतंगे बनाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हो। अगर किसी का नंबर आपको चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो, मैं ज़रूर दे दूँगा। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर आप हो तो हम लोग हैं। तो जो भी है, अगर आप इस दोनों पतंग को देखकर आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अगर अपलोड करें कर सबसे जल्दी आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।